तो भाई कुछ लोग जो सोचते हैं भाई की पता नहीं सब सुन के लगती जो सी खुद बिनु पानी अगला सो नहीं पूछ दे ला सासु मां वे कमेंट करा मैं बच्चे कसम खाऊं मैं मेरी मम्मी कसम खाऊं और मेरी पत्नी कसम आज तक आने में ना कोई भी नशा नहीं करया देंगे इसने अंदर काटा है मेरे पति जाने को मैं तो मोचार ही ड्रामे की मोचार ही कितना मतलब बीर एक दो दो जगह तक खाई। राम राम जी सारे नए और कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और हम भी एकदम मस्त है। राम राम जी मेरी और तभी सारे छोटी बड़ी बहन आना है, उम्मीद करते हैं भाई आप लोग ठीक होंगे, आपके घर परिवार में सारे जने ठीक होंगे। प्रिया का देखो भाई डोड़ा कितना मतलब बीर एक दो दो जगह तक खाई। बाइक पर जाने का नुकसान यार पता नहीं तेरा खून बढ़िया मीठा लग गया माँ, तो आवा जावा मारे क्या तने लड़ दी। हाय माँ इतना दर्द हो रहा सूट, इतना भीड़ हो रहा, इतना भीड़ हो रहा, देखिए देखिए भाई सही है, देख मैं टेटनेस का टिक्का लगवा देते हैं तेरा, देखिए तेरा खास भी करा गुदी गुदी सी होंदी हो गया नहीं। हाय चुप हो जा हर भाई, और गया उसे कर रखी है मम्मी ने इतना करण वास्ते, और साथ में अंदर सब्जी बनाने लग रही यार, डुग्गू वास्ते दलिया बनाने लग रही हूँ। मैं उरे अपनी बातों में उलझ गई थी थोड़ी सी, भीतर भाग जो जल्दी यार दादी बिना जी नहीं लग रहा, मैं तेरा जी करे फोन कर लिया और बुला लू दादी ने। क्यों बेचारी गई तो एक दो दिन रह लेगी। सच्ची भाई सबके बिना मन लग सकता है पर दादी बिना नहीं लगता, दादी बिना घर इतना सुनना है। इवन कमेंट भी करते हैं इनको होंगे प्रिया तो दादी दादी ने कहा मम्मी का बिना ले ले, और मम्मी तो भाई घर में है सबके बिना यार, मम्मी जाओ फिर क्योंकि भाई दादी इसलिए याद आ जाए क्योंकि ना बच्चे ने ठहक रखे मेरे दादी सारी है ना भाई दादी, और फिर काम भी आसानी तब बन जाए, और मेरी मम्मी है फिर मेरी मम्मी बच्चे ठंडी है कोनी था ना पता है उस चीज का, तो इसी कर का प्रिया को मेरे दादी ज्यादा याद आ है ना भाई दादी है कुछ खास बंदा, मम्मी भी खास है पर दादी पता नहीं क्यों इतना लगाव दादी के साथ है। दादी साथ तो मेरा भी है भाई शुरू से ही है, दादी के साथ तो मतलब शुरू से ही है भाई, और मेरे पापा सबसे ज्यादा तो मेरे पापा के साथ था, फिर मेरी दादी के साथ है, और मेरी मम्मी के साथ भी है भाई, मतलब मेरी मम्मी के साथ तो मतलब इतना ज़्यादा है नहीं फिलहाल क्योंकि भाई मेरा दादी के साथ शुरू से ही भाई दादी के साथ, माँ कोई तो कह रहा भाई मैं मामे के साथ जाऊँगा मम्मी के साथ, पर मैं बोले करता भाई मैं ना तो दादी के साथ ही जाना है क्योंकि भाई मेरी दादी इतनी समझदार है ना मैं बता नहीं सकता भाई, मतलब कि देख बूढ़ी हो गई है पर मतलब ना इतना दिमाग है भाई और इतनी समझदार भाई, कैसे अटेंड करना बंदे को क्या कुछ है, कहीं तो जाती है बूढ़ी होने के बाद दिमाग सटक जाता है थोड़ा आगे पीछे बोलने लग जाती है, पर मेरी दादी भाई बिल्कुल ही मेरी दादी के दम पे टिका हुआ घर ही है, अगर मेरी दादी नहीं होती ना तो भाई एक दिन में ही इखर विखर हो जाता है हमारा घर, तो भाई ये घर है मतलब मेरी दादी की वजह से टिका हुआ है, मेरे तो यही मुझे तो जहाँ तक पता है भाई मेरी दादी की वजह से टिका हुआ है क्योंकि हमारे घर में सबसे समझदार मेरी दादी ही है जिसकी वजह से घर टिका हुआ है, नहीं होती तो आज तक इखर बिखर ऐसे हो जाता। अब भाई जिस तक बंदा समझदार हो समझदारी की बात करे और भाई जो अच्छे से रो है और अच्छे से बच्चों को रखा है तभी उसे बच्चों को याद आती है, ठीक है ना, उस चीज़ उस इंसान की तभी याद आती है उस इंसान की भाई वो अच्छा है, तभी उसके साथ लगाव हो जाता है, और भाई बंदा किसी का साथ बोलेगा नहीं बतलाएगा नहीं सारे दिन मुंह चढ़ाए रखेगा और भाई बच्चों को टाइम नहीं देगा और भाई करने के बाद भी ये बोलेगा भाई ये ना किया तूने वो किया ये किया फलाने किया, तो भाई उस बंदे के साथ फिर इतना लगाव नहीं रहता, तो भाई बाकी लड़ाई झगड़े कुछ नहीं है, हमेशा खुश रहना चाहिए, खाली हाथ आए थे एक दिन खाली हाथ चले जावांगे, और भाई मेरे अंदर आप लोगों को सुधार लगा तो मतलब आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, आप भाई मेरे अंदर कोई कमी है तो वह बताओ मैं ताकि सुधार सकूँ उसको, और भाई अब आगे आने वाले ब्लॉग्स आप लोगों को अच्छे से अच्छे देखने को मिलेंगे, और कोई मेरी बहन गलत कमेंट ना करे करो, आप मोटिवेशन दिया करो भाई आप अच्छा करो, कुछ कुछ कमी है ब्लॉग्स में तो वो बताया करो ताकि हम उस कमी को सुधार सके जल्दी से जल्दी। भाई मम्मी गलन लग रही है कट्टे में गेहूं और दीपू भी मदद कर रहा, दोनों जने लग रहे दादी को देख ले मेरे को ये देख मदद के कर रहा है धूना बदल लग रहा काम, अरे कुरे भाई मारे काम कराने वाला थोड़ा पानी भरन लग रहा हूं दीपू पानी भर दिया, क्या नाम है आपका दीपू कनिक्स, मैं तो थारा नाम भी भूल गया हैं कैमरे के सामने कौन बोलता है यू कार बिनु का था मेरी वीडियो ना बनाए करनो का क्या था नहीं क्या वो आते तो मैंने दलिया ठंडा कर रखा पर दी बहुत भूत आई हूं कनु का करेगा दादी पाल ले कुत्ते पाल ले दादी ने पाल ले कुत्ते कनु करे करेगा तब भी तो को मां मां हो गया ठंडा है
एक बार तो खुआ दिया, दूसरी बार ही ले आई है दूध में बना रखा। फिर मम्मी दे दे, मम्मी खुआ देगी तो अपना और काम कर लेगा। कर लिया मैंने काम तो, बस यूं खाइस्ते ही, बस एक काम इसका खाना खुआन का। नहीं तो मैं कर दूंगा। कौन सा खा लेगा यूं राम तक? सारे कुछ ना देख कर देख दो, देख जितना देख देख बुलावा। मैं नहीं लेने देना भाई, यूं मैं चाची पैरों में ज़्यादा तो देख रहा हूँ। अच्छा चाची के पोते बैठे तो वो आ गया बाबू, बाबू दोनों देख गया बाबू को है ना तो बाबू ला चाची ठंडा हो रही हूँ, वीडियो बना दे इसकी ना माँ मैं बोलूँगा आपड़ा मैं तो बड़े कर रही हूँ आवेगी बस तेरे क्या ना बना बाबू बर बर ना जल्दी बर जल्दी बर देख सरी कैमरा चांद दे तो सरी बन जाइयो शर्मा भाई यू देख चल एक बार मैं आटा खराब करना के जमा लगता तुम्हारा 15 किलो आटा नहीं, पहले हम 35 किलो खा जाएंगे। अच्छा सोचना आटा दरा दे प्रिया, किधर हम गिरते हैं अंदर भाई देख ले पड़ा ना है उधर मेरा तो लास्ट टोन पर। अच्छा ओ रे मम्मी यार आप इतना हल्का क्यों करते हो, हमारे को ही सौंपते हो सारे काम। मम्मी का तो पहले ही कमर में दर्द हो रहा देखा तो गिर जाइयो बच्चे बच्चे के लग पर मुंह देखिए पुजोर का इसका पकड़ रहा है। अरे इधर कौन आई आटा को नहीं दो चार दिन के फटोला था आईडी फटोला कड़ा कराना आयो मेरा सर पे कराना था ना बैठा किन देगा छा दिया उल्टा मम्मी बैठे और भाई ने ले रे अरूरा बन रिया पहला की तरह जिस तरह पानी लगाई कुए पर जोड़ पर लाए कहते नहीं और आज समस्या हो रही राजस्थान हो रही हां आज और समस्या हो रही आज जब ही हमारे पारा गा क्योंकि बच्चे बच्चे आ गए तो बेचारी बैठे रह गए थे बाहर बैठे रह गए थे भाई क्योंकि ना मेरे दादी ने 5-6 साल हो गए थे वो बेचारी कर रहे थे वहां 2 दिन मम्मी की छुट्टी है और वहां छोड़ गया वहां ना यार घर दूर पड़ जाता मैं प्रसाद होता बुआ तो लागे प्रसाद बुआ 10 किलोमीटर है। और भाई आप लोगों का एक बात और कहना चाहूँ जो नसी मेरी बहन है मतलब देख मेरी बहन गुस्सा तो मानी होनी देख मेरी सारी मतलब कि 1,70,000 अपनी यूट्यूब पे और लगभग 2-3 लाख फेसबुक का पे तो मतलब कुछ मतलब कि जिन जो अपनी सासू तो खुद ही नहीं बात करती नहीं जो नसी खुद भी पानी अगला उसको नहीं पूछ दे ला सासू माँ वे कमेंट करा वे ज्ञान देना हुआ है अच्छा। वे ज्ञान पिलना हुआ है क्योंकि अपने सासु सत बन देने उनके और फिर मैं पिलना हुआ है देखो मैं सारे निकलता हूँ मैं सारे निकलता हूँ मैं सारे निकलता हूँ देखो मार तो घर की बात है आज प्रिया नाराज है जो तो रहना मार ना सारे ना कट्ठा ठीक है मार तो परिवार है ये तो है प्रिया छोड़ कर चली जाओगे या मेरा कोई दूसरा भाई है आज हो जाए मेरा मैंने आज कल ना फिर मारे घर साथ ही रहना भाई पर आप लोग इस तरह कमेंट कर दो जो कि फिर मेरे घर में लड़ाई हो है फिर ठीक है दिमाग घूम जाए जो बात नहीं भी होनी नहीं फिर वो हमारे मुंह तक कटवा दो थम तो भाई आपने सोचनी चाहिए आपने अच्छे कमेंट करने चाहिए समझाना चाहिए पर गलत कमेंट ना करो पर भाई कहते कर भगवान ने भी गलत बताया था कुछ इंसान तो भगवान नु कह देंगे भगवान भी गलत है सही बात है सीता तक नहीं छोड़ दी सीता पर इल्जाम ला दिया था तब धरती माता में सीता माता समा गई थी सीता माता फिर देखो भाई ये भी मैं कोई नाराजगी नहीं है भाई देख मन मटाओ अंदर हो ठीक है या प्रिया बैठी है मेरी मम्मी बैठी है
फिर क्या कहना सुनना तो सारे देखो भाई मतलब देखो माँ बेटी की लड़ाई हुआ फिर तो लोग कुछ नहीं कहते चलो आपस में माँ बेटी की लड़ाई हो रही है और जब बहू सासू की लड़ाई हो जाए फिर हाय उनकी बहू इसी आ रही हो तो वो भी तो बेटी होंगी होगी के बहू के नाम है एक बहू है बहू भी तो किसी की बेटी है बहू की खिलौना थोड़ी है भाई। और कुछ मेरी बहन है के बोले बनिया मैं अपने छोरे की मतलब अपने बच्चे की कसम खाऊं मैं अपने बच्चे की कसम खाऊं मैं मेरी मम्मी कसम खाऊं और मेरी पत्नी कसम आज तक आने मैंने कोई भी नशा नहीं करया करया मैंने नशा कोई ना करया भाई क्योंकि हम खुद देखा भाई जो नशे करा हमारे आस पड़ोस में भी अपने परिवार में भी है नशा करते कहीं नाश हुआ है। और भाई रही जो तुम कहा भाई तुम्हारे कद करे कर था उस तरह की भाई मेरे दिमाग पर असर होता जो मेरे अंदर चीज दलवाई रखी थी ना वो चीज मेरे ऊपर वो करे कर थी ठीक है बात रखी वा मैं रह कर थे मारे गले भी नहीं करवा रखा भैया किस तरह और भाई क्या बताइए मतलब जो मतलब कि ये थोड़ा वो बोल नहीं रही क्या पता भाभी तने कुछ असर डलवा रखो इसी करके थोड़ा मन मोटाव रन दो भाई इन घर में लड़ाई रहो पर मैंने अच्छी तरह लोग दूसरों ने देख के खुश होनी अपने तो भाई प्लीज कमेंट ना करे करो इस तरह की और मैंने आज तक कोई भी नशा नहीं करा यू मेरा लड़का रहे जो अगर मैंने नशा करे उसे कोई भी आज तक बीड़ी सिगरेट कुछ भी नशा करे मेरे सर की सर कसम था हाँ भाई मैंने कोई भी नशे नहीं करे आई था कुछ मर्जी को कुछ मर्जी कोई सुखा नशा करो यू फलौनी करो दिगड़ी करा मैंने अपने छोरे कसम खाई मेरे पर मेरा कोई है भाई जो मेरे अंदर चीज डलवाई थी बबीता ने जिसने भी डलवाई थी तो वो चीज हरकत करवाया करा थी ये बाकी मेरे अंदर वो कोई चीज नहीं है बाकी ये मैं क्यों नहीं करता मैं उठ पटांग बात वही चीज करवाया जनु कह देनी भगवान नु दीवावती करो नु करो तो भगवान भी तो परीक्षा लेवा सबकी परीक्षा लेवा नो इतनी तो भाई कुछ लोग जो सोचते हैं भाई की पता नहीं सासू के लड़के की लड़ाई कर रहा है या भी मेरी माँ है वो भी मेरी माँ है चलो उसने जन्म दे रखा रहना तो मैंने इसी माँ करो देखो आपस में लड़ाई झगड़े हुआ ना तो हम इस बात ने सोशल मीडिया पर लाना चाहते हुए मार मजाक के लिए आ रहे भाई इसके ऊपर लड़ाई झगड़े रोना पीटना को नहीं मम अपना ले आंदे आप लोग कुछ लोगों के कंटेंट मिल गया इनको ऐसा कुछ नहीं है हम तो कॉमेंट करा नहीं लगभग खुद भी अपनी सासू तक पानी गिलास नहीं चलो वो तो कुछ मर्जी कर दियो कि हमने उन तक कोई मतलब नहीं आप लोग हमारा परिवार है और हम अपने परिवार को बदल रहे हैं दुनिया कोई कुछ कह रहा कोई कुछ और सच्ची में भाई आज सारे जने हम घर में प्रताप दी बिना बिल्कुल और आज का ब्लॉग साहब ने कैसा लगे कमेंट करके बताइए राम राम सब ये मेरे कारनामा है तो भाई प्लीज मेरे लिए कुछ दो लाइन बढ़िया सी लिखना सही बात है और गुन्नू भाई भाई जो मारे पाओ करो जीवन वो तो चले गए खाने पीने तो अच्छी शिक्षा सुन अच्छी शिक्षा दे करो भाई हम क्योंकि अच्छा कमेंट पढ़ा हो इन्हें में इन्हें भी अच्छा फील होगा अगर तुम बुरा कमेंट करो फिर फायदा क्या है यार उस चीज का यार चलो भाई सब अपने दिल की बात रखो सब फिर गलत कमेंट ना करो यार खाने पीने भी पड़ा नहाने भी पड़ा सारा काम करना पड़ा और जो न्यू को भाई एक जानी जो न्यू को है कि विधवा हुई मेहंदी लाओ तो भाई अपनी अपनी सोच हो देखो अब देखो नहीं जब मेहंदी नहीं लाओगे तो क्या उल्टे आ जाएंगे वो इंसान जब मंगलसूत्र पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे तो उल्टे आ लोगों की गंदी सोच है यार मैं कहूँ भगवान ने भी गलत बतावा लोग आप देखो जब जिस आदमी की एक बार जीवन मिल रखा एक भी नहीं भोजन देना तभी नु कह देंगे इसका दूसरी बहू ले आ गई वो भी तो दुनिया में हो गए वो भी तो सोचा मारे बस लेडीज लेडीज के लिए होने चाहिए कानून लड़कों के लिए नहीं लेडीज ना अभी दुआ या तो इसने मंडप से तो भाई सारे सारे बात छोड़ दो ये तो मतलब सारा रात का झगड़ा पर आज हम लोग सब लोग ने कैसा है कमेंट करके बताइयो और लाइक कर दियो कमेंट कर दियो शेयर कर दियो दुनिया तरंगी है हां बिल्कुल भाई तो भाई शेयर जरूर